एज एन एक्टर मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हूँ एंड जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो और फन भी हो. मैं उस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ. मैं ऐसे कैरेक्टर्स नहीं करना चाहती जिसमें हीरोइन को जस्ट एक शो पीस या कह लो आई कैंडी के रूप में देखा जाए या वैसे ही दिखाया जाए. मुझे मज़ा आएगा अगर मुझे नीवे सस्पुतनी 2 के बाद कुछ ऐसा किरदार निभाने को मिले जिसमें मुझे भी खुद को करके खुशी हो. और मोर ओवर सिनेमा के थ्रू बीइंग आर्टिस्ट हम किसी को कुछ छोटी सी एंटरटेनमेंट के जरिए कुछ छोटी सी सीख भी दे सके. एंड वैसे ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं एक इंटेंस लव स्टोरी ज़रूर करना चाहूँगी. लाइक आजकल जैसे हमारे सिनेमा में चल रही है तो बड़ी मुझे लगता है उस लेवल की नहीं चल रही. अब काफ़ी फिल्में बनने लग गई हैं हमारी इंडस्ट्री में इस टाइप की. तो मैं चाहती हूँ लाइक बॉलीवुड में एक दो फिल्म बनी थी लाइक ओमकारा और इस जॉनर की रामलीला. तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा सिनेमा भी एक बार पंजाब में बने तो मैं उसका हिस्सा बनना. देवदास वर्गी जो इंटेंस रोमांटिक आप बोल रहे हैं तो वो तो एग्जांपल है ना. हमारे कल्चर में जैसे पहले पाकिस्तान एंड इंडिया एक ही था तो हमारे पंजाबी कल्चर में ये चीजें थी एक्चुअल में. आई डोंट नो वेदर रियल और नॉट. नहीं नहीं लव लेजेंड्स पे पिक्चरें बनती रही आज तक बनती हैं बट आज फिल्म में उस लेवल पे फिल्म इतनी इंटेंस लव स्टोरी पे नहीं बनी. तो मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म जरूर बने और मैं उसमें काम करूँ. हमारे सेट पे बहुत ही फन होता था एंड कुछ सीक्वेंसेस तो ऐसे थे जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक पॉलिटिकल ड्रामा भी खेला है हमने फिल्म में. तो जो बहू की टीम है और सास की टीम है दोनों ए एंड बी टीम. जैसे कि आप देख सकते हो पोस्टर के राइट साइड वाली टीम एक थी और लेफ्ट साइड वाली टीम एक थी. तो हमें कई बार ऐसा लगता था कि हम सच में दुश्मन हैं कि हम सच में इलेक्शन में खड़े हुए हैं और ये सास और बहू नहीं है या ये कोई फिल्म नहीं है. जैसे हम कैंपेनिंग करते थे नारे लगते थे एक दूसरे के नाम के तो हमें सच में ये रियल फील होता था. और ऐसी वाइब क्रिएट होती थी सेट पे कि हमें एक दूसरे से नफरत वाली निगाहों से देखते थे और इंजॉय भी किया हमने इस चीज़ को. तो आप जब फिल्म देखेंगे 7 जून को थिएटर्स में तो आप भी वो जो फ्लेवर है ना हमारे जो चेहरों पे वो एक जहरीली सी नज़रें हैं एक दूसरे को हम लुक्स दे रहे हैं एंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो आप सब भी आई थिंक फील कर पाओगे कि कितना अमेजिंग माहौल रहा होगा सेट पे.